भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा लगाई गई शिलान्यास की पट्टिका सोलन के शांति में टूटी पाई गई। जैसे ही ये खबर भाजपा कार्यकर्ताओं को लगी, वे पूरी तरह से तिलमिला गए। इसकी शिकायत पुलिस को की। आपको बता दें कि यह पट्टिका गांव शियोतल में लगाई गई थी। इस पट्टिका पर खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया कुमारी शिला का नाम भी अंकित था। ये पट्टिकाएं किसने तोड़ी हैं, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। भाजपा नेताओं की माने तो ये काम किसी शरारती तत्व का नहीं है, बल्कि वे इस घटना का जिम्मेदार विपक्ष को मान रहे हैं। इस घटना की निंदा खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया और जिला महासचिव भरत साहनी ने की और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। रोष प्रकट करते हुए खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि ये उद्घाटन पट्टिका पर सांसद सुरेश कश्यप का नाम था, जिसे कम्युनिटी सेंटर के शिलान्यास के समय जुलाई 2020 में शांति में लगाया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शायद भाजपा द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं, यही वजह है कि वे उसका गुस्सा शिलान्यास पट्टिकाओं पर उतार रहे हैं। लेकिन पट्टिकाओं को तोड़ने से भाजपा का विकास का पहिया रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना की शिकायत पुलिस में कर दी गई है, जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया गया है, ताकि विरोधियों के हौसले और बुलंद न हो। ये जिला में हुई पहली घटना नहीं है, पहले मुख्यमंत्री की पट्टिकाएं भी सोलन में टूटी पाई जा चुकी है। उसके दोषी भी आज तक पकड़े नहीं गए हैं और न ही नई पट्टिकाएं भाजपा आज तक उन स्थानों पर लगा पाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की पट्टिका तोड़ने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं या नहीं। ये पट्टिका माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी के जो के द्वारा शिलान्यास किया गया था 1 जुलाई 2020 को, कम्युनिटी सेंटर का था ये, सामुदायिक भवन श्योथल ग्राम पंचायत शांति में। और आज सुबह ही मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि वो पट्टिका तोड़ दी है, चूर चूर कर दी है। तो इसके इन्वेस्टिगेशन प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए। कंप्लेंट इसकी रिटर्न कंप्लेंट वहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं, हमारे मंडल के महामंत्री हैं संजीव सूद जी के द्वारा कंप्लेंट हो गई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और शरारती तत्व या जो लोग सोलन में हो रहे विकास से विचलित हो रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि ऐसा विकास क्यों हो रहा है, तो ऐसे लोगों में से किसी एक व्यक्ति की ये किसी व्यक्ति की ये शरारत है, तो प्रशासन से मैं मांग कर रहा हूँ कि इसको तुरंत जो भी कल्प्रिट हो उसको ढूंढकर, उसको इन्वेस्टिगेट करके कड़ी से कड़ी सजा, इसके अंतर्गत जो भी धारा बनती है उसके अनुसार सजा दी जाए, ताकि इस तरह के जो तत्व हैं उनके जो ये बेलगाम व्यवहार जो है उसके ऊपर अंकुश हो। इस तरह का कोई भी कार्य बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसका मैं अपने दिल से पार्टी की तरफ से मैं इसका भर्त्सना करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। 1 जुलाई 2020 को ये शिलान्यास हुआ था, जिसमें माननीय सांसद महोदय आए थे और माननीय सांसद का नाम था उसमें, मेरा नाम था उसमें और बहन शीला जी वहाँ से जिला परिषद की मेंबर थी उनका नाम था उसमें और स्थानीय प्रधान संजीव कुमार जी का नाम था उसमें। तो किस कारण से तोड़ी गई है ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन है दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है ये, और इस तरह की पुनरावृत्ति इन घटनाओं में ना हो इसके लिए प्रशासन को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए।